अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। गुड्डे भैया नमस्ते। दप्पू भैया, दप्पू नाम है मिला, दुंदे तम बैठे पर लोग फतनते हैं। तो तुम कौन हो? तम तन थोल। तुम हमें तिला लियो? नहीं नहीं नहीं, हम अनमोल बाहुबली भाइयों की दबंग बहन महाराजगंज से। अरे नहीं घबराइए मत, हम यहाँ किसी को कुछ करने नहीं आए हैं, हम तो बस आप लोगों को ये बताने के लिए आए हैं कि आप लोगों ने ना गलत दीदी को उठा लिया। इतना तो नहीं है, मोबाइल पे फोटो आए थे ना, देखो सही उठाई है। हमने बिल्कुल थाई लड़की उठाई है। नहीं थाई लड़की उठाई है। फिर तुम अमाली में नकल कर रही हो। चुप रहिए, हम बोल रहे हैं ना, बीच में मत बोलिए। कुछ नहीं हो सकता इस लड़की का। तो हम ये कह रहे थे आपसे कि ये उठाना बैठना गिरना पड़ना भागना दौड़ना ना ये सब सही काम नहीं है। एक बार ना हमें भी गुंडे लोगों ने उठा लिया था, बहुत परेशान किया था उन लोगों ने हमें, या फिर हमने उनको, खैर भाग भाग के ना सांसें फूल गई थी हमारी और चोट लगी थी वो तो अलग, और कपड़े का तो पूछो ही मत, हमारे कपड़ों का इतना दुर्गति हुआ था कि हमारी अम्मा कपड़े कूट कूट के हमें भी कूट दी थी, बहुत जोर से चोट लगी थी हमें। इसलिए हम आप लोगों को कह रहे हैं कि गुंडागर्दी ये सब छोड़ के ना आप कोई बढ़िया सा काम पकड़ लीजिए। एक बात बताओ, तुमने ये बक बक करने का कोई परीक्षा पास की है या फिर पैदाइशी ऐसी हो? नहीं, बक बक तो बचपन से करते हैं। एक राज की बात बताएं, ये ना हमारा पैदाइशी शौक है। अब तुम्हारा थोक हम निकालेंगे। ए पकड़ो इसको, इतने हमारा आता देख लिया है। नहीं नहीं इसको पकड़ो, पकड़ो। मेरा मन को बहुत समझाया नंदन ने, हमारा बच्चा हमारी आंखों के सामने अपनी जिंदगी बर्बाद करने जा रहा है, पर हम कुछ नहीं कर सकते। जानती हूँ आप लोग खुश नहीं है, पर सच तो यही है कि मैं आपकी बहू बनने जा रही हूं। तो अच्छे से रहिएगा मेरे साथ, वरना आप तो जानती हैं कि मैं क्या कर सकती हूं। जब बिना हक की चीजें छीन सकती हूं तो हक के लिए क्या क्या कर सकती हूँ? देखो हम तो कह रहे हैं अपनी शक्ति बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, हम आराम से भी तो बात कर सकते हैं ना, और हम तो यहाँ बस दीदी को लेने के लिए आए हैं। हम बस दीदी को लेकर चले जाएंगे और आपके अड्डे के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे, कसम से। देख बहुत बोल लगी है, ये भी तो बोल रही है कि वो हमारे अड्डे के बारे में तिथि को नहीं बताएगी। तिथि तो नहीं बताऊंगी। तो क्या थोल दे? छेड़ देते हैं। मुझे पप्पू भैया को पप्पू समझाए क्या? रुक अभी बताता हूँ। आके मत भरना, वरना वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कौन नहीं छोड़ेंगे? बोल रहे छोड़ेंगे नहीं। क्या बोले ये तोलेंगे।
कहा था ना हमने कि मार खाओगे पीटोगे की नहीं सुनी हमारी बात गंदे बच्चे। और हाँ सब लोग सुन लो, तुम लोग ना किसी साधारण हाथ से नहीं पीटे हो, ये है रजत चौहान अपने क्षेत्र के सबसे बड़े लड़ाकू। अरे सालों से मुक्का मार प्रतियोगिता में जीतते आ रहे हैं ये, अब देखना कैसे चुटकियों में मसलते हैं तुम सबको। अनमोल बस करो, थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? हाँ ऐसा ना हो कि किसी के ईगो को हर्ट हो जाए और हम मुसीबत में पड़ जाए। अरे हम है ना, ऐसे कैसे मुसीबत में पड़ेंगे, और हम ना अच्छे से जानते हैं इन लोगों को, ये गुंडे ना ऐसे डरते हैं। अब देखना, हाँ तो हम कह रहे थे जिस जिस को नामी मार खानी है वो सामने आए और अपने क्षेत्र के सबसे महान योद्धा से मार खाकर अपना जीवन सफल करे। अब आओ आओ। कौन से साल में इसने ये प्रतियोगिता जीती? इन्होंने जीती है 2015। हाँ 2015 में। अच्छा इसलिए उस साल मेरा दूसरा नंबर आया था, लेकिन आज ये दूसरे नंबर वाला पहले नंबर वाले को मारेगा। मार उसको। और तुमने हमारे रजत जी को मारे ना। हाँ। अब देखना इस एक मुक्की का बदला कैसे लेते। कैसे? फेरों का समय हो गया है, वरवधु को बुलाइए। हे माता रानी, कोई तो चमत्कार कर दीजिए जिससे ये शादी रुक जाए। नहीं 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 इसको मैं बताता हूं। अनमोल छोड़ो उसे, इन सबको मैं संभालता हूं, उस डॉक्टर को उठाओ जल्दी। डॉक्टर जी उठिए, डॉक्टर जी। ला 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 ला। मैं नहीं जाने दूंगा। चुपचाप हट जा सामने से वरना कुछ ले जाओगे। तुम कुछ भी कह लो मैं नहीं जाने दूंगा। ठीक है मत हटो। रजत जी संभालिए इसे। आप सीधे खड़े रहिए ना। अनमोल आप क्या कर रहे हैं? वो देखिए अनमोल आप खड़ी हंस क्या रही हो, चलो जल्दी कीजिए। एक सेकंड, आप बाहर क्यों आ रहे हैं? अरे अनमोल गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। क्या? बीड़े नवाब जल्दी कुछ कीजिए,
वरना पता चला ऐसा हुआ कि ब्रह्मन जी की शादी हो जाए और उसके बाद हम वहां पहुंचे। जल्दी हमें कुछ करना होगा, कीजिए। अनमोल, इतनी लड़ाई करने के बाद ना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। लेकिन हमारा कर गया मतलब। अब देखिए कैसा है ये रिश्ता अनजाना। दंगल प्ले पर टीवी से पहले।